हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे बायोलॉजी चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा सक्सेना। आइए, आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। आप सबने सुना होगा, हर सेल के अंदर आपके एक माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनली पाया जाता है, जिसे हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। एक्चुअली पावर हाउस जो एनर्जी जनरेट करता है, तो सेल के अंदर जो एनर्जी जनरेट करता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसे हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पायरेशन होता है, रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस से एनर्जी आपके बनती है, इसीलिए एनर्जी जनरेट होती है जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, इसलिए हम इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे डिस्कवर किया था फ्लेमिंग एंड ऑल्टमैन साइंटिस्ट ने, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म दिया था वो थे आपके सी बेंडा। फिर आपके सिक्विक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि ये सेल का पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर आपके किन्सबर्ग और हॉकबूम साइंटिस्ट ने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में सेल रेस्पायरेशन होता है और एनर्जी जनरेट होती है। तो ये थी कुछ डिस्कवरीज। फिर देखिए, आपको हम बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो डबल यूनिट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल यूनिट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का मतलब इसके चारों ओर दो यूनिट मेम्ब्रेन की बाउंड्री पाई जाती है। यूनिट मेम्ब्रेन जो हम एक सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं, जो लगभग आपके 70 से 75 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, जिसको हमने आपके पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो इसमें आपके दो यूनिट मेम्ब्रेन की कवरिंग पाई जाती है, तो ये आपके डबल यूनिट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल और एनिमल सेल सब में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता, केवल ये यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। और कुछ यूकैरियोटिक सेल हैं, जैसे मैमल्स की आरबीसी, प्लांट्स के फ्लोएम की शिफ्ट ट्यूब, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। और हम आपको बता दें, प्लांट सेल के कंपैरेटिवली एनिमल सेल में इनके नंबर ज्यादा होते हैं। एक्चुअली में प्लांट सेल आपके एनर्जी के लिए क्लोरोप्लास्ट पे भी डिपेंड है और माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही, लेकिन एनिमल सेल एनर्जी के लिए टोटली माइटोकॉन्ड्रिया पे ही डिपेंड है, इसलिए एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज्यादा होते हैं। और जो आपके मोस्ट एक्टिव सेल हैं, लिवर सेल, किडनी सेल, तो मोस्ट एक्टिव हैं, मोस्ट बिजीएस्ट सेल हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर और ज्यादा होते हैं। तो फिर देखिए, आपके इसे माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली में सेल के अंदर एक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक सेल है। एक्चुअली इसे हम सेल से कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन है इसे आपके बैक्टीरिया से माना गया है, उन बैक्टीरिया से जिन्होंने सबसे पहले एरोबिक रेस्पायरेशन किया था, तो उन्हीं से माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजन हुआ। उस समय जब ये एरोबिक आपके रेस्पायरेशन करने वाले बैक्टीरिया बने थे, और फिर जब यूकैरियोटिक सेल बनी, तो ये बैक्टीरिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर चले गए और सिम्बायोसिस फॉर्म में रहने लगे। सिम्बायोसिस का मतलब होता है दो लिविंग बींग्स एक दूसरे के साथ रहें और दोनों एक दूसरे को फायदा दें। तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसका ओरिजन एरोबिक रेस्पायरेशन करने वाले बैक्टीरिया से माना गया है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजन प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है। बैक्टीरिया आपके प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उन्हीं से इनका ओरिजन माना गया है और ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के फॉर्म में सेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर आके रहने लगे, तो ये सेल के अंदर एरोबिक रेस्पायरेशन से एनर्जी जनरेट करने लगे, जिससे आपके सेल को एनर्जी मिलने लगी। और बाकी इनको क्या फायदा हुआ, सेल के न्यूक्लियस पर ये कुछ एंजाइम्स के लिए डिपेंड रहने लगे। वैसे हम आपको बता दें, ये खुद ही एक सेल है,
क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल से इनका ओरिजिन है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल हैं, तो इनके पास खुद का डीएनए भी है और खुद की प्रोटीन फैक्ट्री भी है। खुद का डीएनए है और वो डीएनए कॉइल फॉर्म में है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम है वो डीएनए का बना है जो कि कॉइल फॉर्म में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी जो क्रोमोसोम है वो डीएनए का बना कॉइल फॉर्म में ही होता है, जो ये प्रूव कर रहा है कि इसका ओरिजिन प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद की प्रोटीन फैक्ट्री है, मतलब राइबोसोम, और वो राइबोसोम इसमें 70S टाइप है, और 70S टाइप राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, जो ये प्रूव कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन प्रोकैरियोटिक सेल वाले एरोबिक बैक्टीरिया से हुआ है। तो ये बातें प्रूव करती हैं कि ये सेल के अंदर एक सेल है, और इसे हम सेमी ऑटोनॉमस यूनिट भी कह सकते हैं। ऑटोनॉमस यूनिट जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो उसे हम ऑटोनॉमस यूनिट कहते हैं, पर ये आपके सेमी ऑटोनॉमस यूनिट है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से अपने ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है। एक्चुअली ये कुछ एंजाइम्स के लिए सेल के न्यूक्लियस पे डिपेंड है, तो इसलिए ये आपके सेमी ऑटोनॉमस यूनिट है। तो ये आपके सेल के अंदर एक सेल हो गई जो सेमी ऑटोनॉमस यूनिट है, जिसका ओरिजिन आपके एरोबिक बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल से माना गया है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया ये आपके डबल यूनिट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मतलब इसके बाहर दो यूनिट मेम्ब्रेन की बाउंड्री पाई जाती है। सबसे बाहर ये है आपके आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के फॉर्म में होती है, और इसे हम क्रिस्टी भी कहते हैं। तो ये आपके जो क्रिस्टी है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये दोनों मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन ही है, लिपिड और प्रोटीन की ही बने, जिसमें कि आपके आउटर मेम्ब्रेन में लिपिड कंटेंट और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है। तो आउटर मेम्ब्रेन आपकी मोर परमेबल है, जबकि इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबल है, मतलब इसमें प्रोटीन पैसेस बने हैं, पोरींस, जो सिलेक्टेड चीजों को ही अंदर आने देते हैं। तो ये हुई इसकी दोनों मेम्ब्रेन, तो ये डबल यूनिट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हुआ। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये आप देख रहे हैं एक स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये आपके दोनों मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसमें आपके कुछ एंजाइमेटिक फ्लूइड होता है, और यहाँ पे जो एंजाइम पाए जाते हैं वो फैट और पाइरूविक एसिड के ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये हो गई पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जिसमें पेरी माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में कुछ स्टॉक लेस ससाइल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें पार्सन्स बॉडी कहते हैं। इनका क्या काम है अभी कुछ खास पता नहीं। इसी तरीके से ये जो इनर मेम्ब्रेन है क्रिस्टी, इसकी क्रिस्टी में ये रैकेट लाइक आप बॉडी देख रहे हैं। ये आपके जो रैकेट लाइक बॉडी होती है इस तरीके से, जिसमें स्टॉक भी पाया जाता है, इन्हें कहते हैं ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल। तो इनर मेम्ब्रेन में ये आपके ऑक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं, पिन लाइक बॉडी, जिसे हम ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल कहते हैं। और ये आपके F1 पार्टिकल, जिसके तीन पार्ट हैं, एक होता है हेड, फिर स्टॉक, और ये तीसरा बेस। ये जो बेस है वो मेम्ब्रेन में धंसा रहता है, और ये स्टॉक और ये हेड को हम F1 पार्टिकल
और बेस को हम एफ नॉट पार्टिकल भी कहते हैं, तो इस तरीके से ये एफ नॉट एफ वन पार्टिकल भी कहलाता है। इसे फर्नांडिस मोरॉन ने डिस्कवर किया था और इसके हेड के पास एटीपीएज एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से रिलेटेड है। मतलब हेड के पास जो एटीपीएज एंजाइम है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के द्वारा एटीपी के सिंथेसिस करते हैं। तो इस तरीके से इनर मेम्ब्रेन में ये क्रिस्टी में रैकेट लाइक बॉडी जिसे हम ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन में जैसे यहाँ पे हम आपको ओपन स्ट्रक्चर दिखा रही है, आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये हो गई क्रिस्टी के फॉर्म में इनर मेम्ब्रेन, ये हो गई पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इनर मेम्ब्रेन में ये रैकेट लाइक बॉडी ऑक्सीसोम हो गई जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से रिलेटेड है। इनर मेम्ब्रेन में ही कुछ आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर और साइटोक्रोम्स जो स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में ही ये आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर और साइटोक्रोम जो स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। तो ये आपके इनर मेम्ब्रेन में दो चीजें हो गई, एक तो आपके F1 पार्टिकल और दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर और साइटोक्रोम। फिर देखिए इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का बना साइटोप्लाज्म होता है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो इनर मेम्ब्रेन में ये हो गया मैट्रिक्स और इसी मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया का अपना क्रोमोसोम है जो आपके डीएनए का बना है और ये डीएनए कॉइल फॉर्म में अरेंज है जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसका जो डीएनए है वो सेल के टोटल डीएनए का 1% पार्ट बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो डीएनए है जो कॉइल फॉर्म में अरेंज है जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और ये डीएनए सेल के टोटल डीएनए का 1% पार्ट बनाता है और इसके डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा होते हैं और इसके डीएनए में भी जीओसी ज्यादा है, तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि इसका ओरिजिन प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है। फिर जो इसका जो डीएनए है उसमें आपके 10 से 37 टाइप की प्रोटीन को कोट आपके प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसका डीएनए 10 टू 37 टाइप की प्रोटीन को कोट करता है। फिर देखिए इसके मैट्रिक्स में ये राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो ये आपके राइबोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जा रहे हैं 70S टाइप के होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो 70S टाइप के हैं और इसके पास भी जो राइबोसोम है 70S टाइप के हैं, जिससे ये प्रूफ हो रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है। अच्छा हाँ, मैमल्स का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मैमल्स की सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं वो आपके 55S के होते हैं। जनरली इसके पास जो खुद का राइबोसोम है वो 70S टाइप है, लेकिन मैमल्स की सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनका राइबोसोम 55S टाइप होता है। तो ये चीजें प्रूफ कर रही हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन एरोबिक बैक्टीरिया से हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है। तो ये आपके सेल के अंदर एक सेल हो गई जो आपके सिम्बायोसिस फॉर्म में रहती है। सिम्बायोसिस मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन से एनर्जी जनरेट होगी, तो सेल को एनर्जी मिलेगी। बदले में ये माइटोकॉन्ड्रिया वैसे तो कुछ एंजाइम प्रोटीन अपनी खुद बना रहा है, लेकिन कुछ एंजाइम्स के लिए सेल के न्यूक्लियस पे डिपेंड रहता है। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया और सेल दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से फायदा लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस। तो ये था आपके माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को हटा दें
तो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम कहते हैं माइटोप्लास्ट। तो मेन चीज है आउटर मेम्ब्रेन को हटा दें तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, माइटोप्लास्ट। तो ये था आपके माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। और एक सेल में कई कई माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सेल की रिक्वायरमेंट पे। सेल में सेल जितनी ज्यादा बिजिएस्ट है, जितना ज्यादा वर्क करती है उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए उसकी सेल में उतने ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। सेल के सभी माइटोकॉन्ड्रिया को कलेक्टिवली हम कहते हैं कॉन्ड्रियोम। तो इस तरीके से सारे माइटोकॉन्ड्रिया को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रियोम। तो ये था हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। तो हमने आपको बताया डबल यूनिट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इट कंटेन ओन डीएनए, और जो डीएनए है वो कितना, टोटल सेल का 1% पार्ट बना रहा है, और इसका डीएनए जीसी रिच है, ग्वानीन और साइटोसिन रिच है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के डीएनए जो होता है वो ए और टी, एडेनिन और थाइमिन रिच होता है। इसका डीएनए 10 टू 37 टाइप की प्रोटीन को कोट करता है। इसके पास खुद का इट हैज ओन राइबोसोम जो कि 70S टाइप है, जबकि मैमल्स की सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास 55S टाइप राइबोसोम होता है। तो इस तरीके से ये हुआ आपके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब आइए इसके फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है वो है आपके सेलुलर रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब होता है फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होना और एनर्जी का रिलीज होना। फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होना मतलब जलना, और जब भी कोई चीज जलती है तो हीट निकलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया उस निकलने वाली हीट को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है, तो इसे कहते हैं हम रेस्पायरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है सेल में रेस्पायरेशन परफॉर्म करना, फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी को जनरेट करना, और ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में जनरेट होती है। फिर देखिए आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करता है। देखिए इसके पास खुद का डीएनए है, तो इसके लिए सेल के न्यूक्लियस के पास माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कोई जीन प्रेजेंट नहीं है। तो जब एक सेल डिवाइड होती है, दूसरी सेल बनती है, तो न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन लेके जाता है, लेकिन न्यूक्लियस के पास माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कोई भी जीन नहीं है। तो इस तरीके से एक सेल से जब नई सेल बनेगी तो नई सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है साइटोप्लाज्म के थ्रू जाता है, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद डिवाइड करता है और वो साइटोप्लाज्म के द्वारा एक से दूसरी सेल में जाता है, जिसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये आपके कुछ एंजाइम्स की सिंथेसिस भी करता है। तो ये थे माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जरूर बजाएं, जिससे हमारे आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। तो आप देखते रहिए हमारे आगे के वीडियोस जिसमें हम आगे के टॉपिक्स डालते हैं।